यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज के साथ मैं हूं गुलाब बलोच और मेरे साथ हैं उरूज फातिमा। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि ओपोजिशन हुकूमत गिराना नहीं चाहती। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान साद रफीक और सलमान रफीक जुडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। मरी में पत्रियाटा केबल कार को 11 दिन बाद सियाहों के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद सियाहों की बड़ी तादाद सैर के लिए पहुंच गई। 11 रोज कबल आंधी और तूफान के दौरान केबल कार का रास्ता पुली से उतर गया था और सियाह केबल कार में फंस गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के पुरफिजा और सियाहती मकाम सवाद के वादी कलाम में एक मकान पर पहाड़ी तोदा गिर गया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकराने के नतीजे में पेश आने वाले हादसे में खवातीन और बच्चों समेत जान बहक अफराद की तादाद 11 जबकि जख्मी अफराद की तादाद 67 हो गई। लंदन में एडवेंचर का शौकीन एक सरफिरा नौजवान बगैर किसी हिफाजती इकदाम के 40 मंजिला क्रेन पर चढ़ गया। एडवेंचर के शौकीन नौजवान ने लंदन की 40 मंजिला क्रेन पर चढ़ने की ठानी और अपनी जान खतरे में डालकर न सिर्फ क्रेन के सिरे पर पहुंच गया बल्कि करतबबाजी का शौक पूरा करते हुए खूब तस्वीर भी ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को जबरदस्त शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। भारतीय टीम के शिकस्त के साथ ही पाकिस्तानी ट्विटर सारफीन की जानिब से सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर किए जाने लगे। मैच के दौरान और अख्तिताम से अब तक जहां एक तरफ ट्विटर पर भारतीय सारफीन अपनी टीम की शिकस्त पर मायूस हैं, तो वही पाकिस्तानी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और पुरमज़ा मीम्स शेयर कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।